हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस हमारा जो वीडियो था उसमें हमने डिस्कस किया था अबाउट राउंडिंग ऑफ डिजिट्स। ठीक है, तो राउंडिंग ऑफ डिजिट्स में हमने देखा था, उससे पहले हम सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ चुके हैं और उसमें हमें 8-9 रूल पढ़े हैं हमने। आई होप आपको सारे रूल समझ में आ गए होंगे। सिंपल सिंपल रूल्स हैं, बस थोड़े से ध्यान रखना है आपको चीज़ों को। ठीक है भाई, अब 11th में आए हो साइंस में, इसलिए तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के तो पार ही नहीं पड़ने वाली। ठीक है भाई, और खास करके फिजिक्स में तो बिल्कुल ही पार नहीं पड़ेगी। फिजिक्स बिल्कुल लॉजिकल सब्जेक्ट है, इसमें आप जितना चीज़ों को साथ साथ में लेकर के चलेंगे, समझते चलेंगे, रिवाइज करते चलेंगे, है ना, तो उतना आसान हो जाएगी फिजिक्स। रटने की कोशिश करोगे तो उतना ही डिफिकल्ट हो जाएगी फिजिक्स, ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखना, क्योंकि आपकी क्या स्टार्टिंग है, आप फ्रेशर बच्चे हो साइंस मैथ में और उसमें फिजिक्स में भी बिल्कुल फ्रेशर बच्चे हो, तो आपको बीच बीच में सपोर्ट करना ज़रूरी होता है। ठीक है, और जब आप 12th में या फर्स्ट ईयर या आगे जिस भी क्लास में जाओगे तो फिर आपको क्या हैबिचुअल हो जाओगे आप सब्जेक्ट को लेकर के। ठीक है, हो सकता है कि आपको फिजिक्स कम पसंद हो सकता है किसी बच्चों को केमिस्ट्री ज़्यादा पसंद हो, किसी को हो सकता है फिजिक्स बहुत ज़्यादा पसंद हो, तो अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जो फील्ड्स हैं वो अलग हो जाएंगे आगे जा करके। ठीक है, तो अभी आपको बराबर सारे सब्जेक्ट्स पे ध्यान देना है, फिजिक्स पे भी, केमिस्ट्री पे भी, मैथमेटिक्स पे भी, इवन आपके जो लैंग्वेज सब्जेक्ट है इंग्लिश हिंदी, उन पे भी बराबर ध्यान देना है, क्योंकि उसके नंबर जुड़ते हैं भाई, है ना। और वैसे भी वो हमारी लैंग्वेज है, तो इंग्लिश लैंग्वेज भी काम आती है, हिंदी हमारी नेटिव लैंग्वेज है वो भी काम आती है। ठीक है भाई, तो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, किसी को भी कमियाँ ज़्यादा नहीं कह सकते। ठीक है, चलें अब राउंडिंग ऑफ डिजिट हम पढ़ रहे थे, तो आपको फिजिक्स में भाई बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, मतलब स्पेशल ऐसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आप चीज़ों को समझो, जितना ज़्यादा आप उसको समझोगे ना, क्योंकि ये लॉजिकल सब्जेक्ट है, जितना ज़्यादा इसको समझने की कोशिश करोगे, क्योंकि फिजिक्स है आपके बिल्कुल आसपास का सब्जेक्ट। फिजिक्स का वर्ड का मतलब क्या है, भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान आपके आसपास का विज्ञान, तो इसको जितना आप अपने आसपास के विज्ञान को देखोगे, समझोगे, महसूस करोगे, तो वही फिजिक्स है। समझ में आ गई बात आपको। ये सारी चीज़ें हम नॉर्मली लाइफ में भी यूज़ करते हैं, अब फटाफट से नंबर को राउंड ऑफ कर देते थे, पर वहाँ पे आप कुछ रूल्स को फॉलो करते थे, कुछ को नहीं करते थे, यहाँ पे आपको प्रॉपर सारे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। समझ में आ गई बात आपको। तो राउंडिंग ऑफ डिजिट हमने शुरू किया था कि किसी भी नंबर को डिजायर्ड सिग्निफिकेंट फिगर में रिप्रेजेंट करने के लिए जो प्रोसेस काम में लिया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, राउंडिंग ऑफ प्रोसेस। ठीक है, तो हमने राउंडिंग ऑफ प्रोसेस के कुछ रूल्स देखे थे। पहला रूल ये था कि अगर जिस नंबर को डेसिमल के जस्ट बाद का नंबर जो होता है वो राउंडिंग ऑफ डिजिट होती है, मतलब उसी को राउंड ऑफ करते हैं, यानी कि या तो वो रिमेन कांस्टेंट रहेगी या फिर वो क्या करेगी, उसमें एक ऐड हो जाएगा। समझ में आ रही है, दो ही काम होते हैं, या तो वो जैसी है वैसी ही रहेगी या फिर उसमें एक ऐड हो जाएगा। ठीक है, अगर आपकी डिजिट आफ्टर द डेसिमल यानी कि राउंड ऑफ डिजिट के जस्ट बाद वाला नंबर लेस देन 5 है तो वो डिजिट जैसी है वैसी रहेगी, ये आपका फर्स्ट रूल था। ठीक है, सेकंड रूल था कि अगर राउंडिंग ऑफ डिजिट के बाद वाला डिजिट ग्रेटर देन 5 है, जैसे यहां पे दिख रहा है आपको 6 है, यहां पे 8 है, यहां पर 6 है, तो उस केस में वो राउंडिंग ऑफ डिजिट में एक ऐड हो जाएगा। समझ में आ गई। थर्ड जो आपका रूल था वो था कि अगर डेसिमल के बाद वाली जो डिजिट है, जो राउंडिंग ऑफ डिजिट है, उसके बाद वाले डिजिट ना तो 5 से छोटी है ना 5 से बड़ी है, तो उस केस में आप उसके बाद वाले डिजिट देखोगे। अगर उसके बाद वाले डिजिट कैसी है, 0 के अलावा कोई है, ठीक है, यानी कि कोई नॉन जीरो डिजिट है, तो उस केस में क्या होगा कि जो आपकी राउंडिंग ऑफ डिजिट है उसमें क्या हो जाएगा, आपका एक ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो हमने एक ऐड कर दिया था, 8 हो गया था हमारा। तो हम ये 3 रूल पढ़ चुके थे, समझ में आ गई। नंबर फोर रूल का मैं एग्जांपल बता चुकी थी आपको, है ना, वो क्या है कि अगर क्या हो कि जो जैसे ये है 15.750, यानी कि जो राउंडिंग ऑफ डिजिट है उसके बाद वाले डिजिट आपकी ना तो लेस देन 5 है ना ग्रेटर देन 5 है, तो आप उसके बाद वाले डिजिट देखते हो, अगर वो डिजिट 0 है, इससे पहले वाले रूल में तो हम देखा था अदर देन 0 है, यानी कि 0 के अलावा कोई है, लेकिन अगर वो 0 हो तो क्या होगा, तो वो नंबर जैसा है वो वैसा ही रहेगा, यानी कि ये राउंड ऑफ होके 15.7। तो मैं इसका रूल बता देती हूँ, लिख देती हूँ, क्या होगा, इफ द नेक्स्ट डिजिट टू द राउंडेड ऑफ डिजिट
is 5 and after this, after digit is 0, then तो क्या होगा, then rounded off digit will be remain unchanged, यानी कि उसमें कोई change नहीं होगा। बात समझ में आ गई आपको? तो इसमें मैंने ये second example उसका बताया था कि by chance ऐसा हो कि जो rounded off digit है उसके बाद वाले digit 5 है, लेकिन उसके बाद कोई digit ही नहीं दे रखी, ठीक है? क्योंकि मैं आपसे क्या कह रही हूँ कि राउंडेड ऑफ डिजिट के बाद वाले डिजिट अगर 5 है तो हम उसके बाद वाले डिजिट दे रखे देखते हैं, पर उसके बाद कोई डिजिट है ही नहीं, तो आप 0 तो कंसिडर कर सकते हो ना, उसके बाद 0 ही कंसिडर करोगे, तो उस केस में वो आपका राउंडेड ऑफ डिजिट जितना है उतना ही रहेगा, यानी कि 15.7। तो इसमें एक तरीके से दो रूल्स का मैशअप हो गया, ठीक है? और आपने क्या कहा कि डेसिमल के जस्ट बाद वाले यानी कि राउंडेड ऑफ डिजिट के बाद वाले डिजिट ना तो लेस देन 5 है ना ग्रेटर देन 5 है, 5 है और उसके बाद वाले डिजिट 0 है, तो आपकी राउंडेड ऑफ डिजिट रिमेन अनचेंज रहती है, यानी कि जैसी है वैसी ही रहती है। बात समझ में आ गई, ठीक है? तो ये आपके हो गए ये रूल्स। अब हम आगे के रूल्स की बात करते हैं कि इसमें अगला रूल कौन सा था। देखें, अब जो नेक्स्ट रूल है उसको ध्यान से देखना, ठीक है? क्योंकि नेक्स्ट जो दो रूल होंगे उनके बेसिस पे मैं फोर्थ रूल को क्या करूंगी, इसमें करेक्शन करूंगी, क्योंकि ये रूल बताना भी जरूरी था और इसके बाद वाले दोनों रूल भी बताना बहुत जरूरी है। तो ठीक है, तो अब तक के 3-4 रूल में कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा आपको, लेकिन अब ध्यान से देखना। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कोई नंबर है, सपोज करें 18.450। समझ में आ गई? अब इसको ध्यान से देखो, अगर आपका डेसिमल के बाद वाला जो डिजिट है वो राउंडेड ऑफ डिजिट है, उसके बाद वाला डिजिट क्या है 5 है, ठीक है, और उसके बाद वाला डिजिट क्या है 0 है, ठीक है, तो उस केस में आप क्या करते हैं, राउंडेड ऑफ डिजिट पर आते हैं वापस से। अगर ये राउंडेड ऑफ डिजिट इवन नंबर है, क्या है, इवन नंबर यानी कि सम संख्या है, तो उस केस में आपका जो राउंडेड ऑफ नंबर होगा वो कहाँ किस में राउंडेड हो जाएगा, वो जैसा है वैसा ही रहेगा, यानी कि 18.4 रहेगा। समझ में आ गई? मैंने क्या कहा कि अगर राउंडेड ऑफ डिजिट के बाद वाले डिजिट 5 है और उसके बाद 0 है, तो ये वाला केस तभी लागू होता है जब आपका 0 होता है, ठीक है? यानी कि थर्ड जो डिजिट है वो 0 होगी, तो ये दो केसेस लगते हैं। अदरवाइज अगर आपका 0 नहीं है तो आपको राउंडेड ऑफ डिजिट को इवन या ऑड देखने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर ये आपका अदर देन 0 होता है तो आप सीधा इसमें 1 जोड़ देते हो, लेकिन अगर इससे अगला डिजिट थर्ड डिजिट अगर आपका 0 है तो आप वापस कहाँ आते हो, राउंडेड ऑफ डिजिट पे। अगर ये राउंडेड ऑफ डिजिट इवन नंबर है तो ये अनचेंज रहती है। समझ में आ गई? लेकिन अगर ये क्या रहती है, यहां तो ये इवन नंबर है, अगर ये ऑड होती, सपोज करो ये होती, इफ क्या होती 18.550 होती, तो 5 क्या है, ऑड नंबर है, 5 क्या है भाई, ऑड नंबर है, तो इस केस में आप क्या करते, इसमें 1 ऐड करते, यानी कि ये 18.6 हो जाता। समझ में आ गई? तो इवन ऑड का केस आपको कब देखना है, इवन ऑड का केस आपको तब देखना है जब आपका राउंडेड ऑफ डिजिट के बाद वाले डिजिट 5 हो और उसके बाद वाले डिजिट 0 हो। समझ में आ गई? अब आओ वापस से थर्ड रूल पे। थर्ड रूल का ये जो एग्जांपल है, इसमें ये डिजिट कैसी है, 15.750, ये 5 है उसके बाद 0 है, उससे पहले वाली ऑड है, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, 1 ऐड करना पड़ेगा, यानी कि इसका राउंडेड ऑफ करेक्टली क्या होगा, 15.8। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, समझ में आ रही है? क्योंकि अगर मैं आपको डायरेक्ट ये बता देती तो आपको समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने इसमें ये वाला रूल एंटर कराया। समझ में आ गई? तो एक तरीके से आप फिफ्थ रूल को अब क्विट कर सकते हैं, यानी कि फिफ्थ रूल की अब जरूरत नहीं है, सॉरी फोर्थ रूल की अब हमें जरूरत नहीं है। हमने फोर्थ रूल में ही दो नए रूल बना दिए हैं, एक तो इवन वाला और एक ऑड वाला। बात समझ में आ गई आपको? तो अगर आपका क्या केस हो कि डेसिमल के बाद जो राउंडेड ऑफ डिजिट है उसके बाद अगर 5 आ जाए, ठीक है, 5 आ जाए तो उसके बाद अगर अदर देन 0 है तो हम वापस कहाँ जाते हैं, राउंडेड ऑफ डिजिट में। अगर वो इवन नंबर है तो वो अनचेंज रहती है, ऑड है तो उसमें 1 ऐड हो जाता है। बात समझ में आ गई? तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे इफ द नेक्स्ट डिजिट
टू दी राउंडेड ऑफ डिजिट इज 5 एंड आफ्टर डिजिट इज 0। तो इसमें दो केस बनते हैं। नंबर एक, देन, यहां पे देन लिखना है ना, यहां पे इफ, इफ डिजिट बिफोर 5 इज इवन देन नंबर विल बी अनचेंज्ड। नंबर दो, बट इफ डिजिट बिफोर 5 इज ऑड देन 1 इज एडेड टू द राउंडेड ऑफ डिजिट। ठीक है, समझ में आ रही है बात आप सभी को? तो इस तरीके से यहां पे आपने एग्जांपल देख लिया होगा, ये 5 जो है उससे पहले वाले डिजिट है आपकी 4, तो ये 4 जो है इवन नंबर है इसलिए इसको हमने अनचेंज रखा है, और ऑड है तो हमने इसमें 1 ऐड कर दिया, 18.6 हो गया। समझ में आ गई? तो आप फोर्थ रूल को क्विट कर सकते हैं, उसके बजाय हमने फिफ्थ में ही दो रूल्स बना दिए, यानी कि फिफ्थ में जो ऑड इवन के रूल हैं वो केवल तभी लगेंगे जब आपका राउंडेड ऑफ डिजिट के बाद वाले डिजिट 5 हो और उसके बाद वाले डिजिट अगर 0 हो। ठीक है, और अगर कोई नंबर आपका इस तरीके से ही है जिसमें आपका नंबर 5 आ जाए पर वो अदर देन 0 हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो ऑड इवन लगाना ही नहीं है, फिर तो आपको जस्ट 1 ऐड कर देना है। समझ में आ गई? तो एक बार फटाफट से सभी की समरी बता देती हूँ, आपको सारे फटाफट याद हो जाएंगे। तो हमने क्या क्या पढ़ा, फर्स्ट रूल में कोई भी नंबर है 5 पॉइंट सपोज करो 3, 2, तो राउंडेड ऑफ डिजिट के बाद वाले डिजिट लेस देन 5 है, लेस देन 5 है अनचेंज्ड, तो ये राउंडेड ऑफ हो जाएगी 5.3 में। ठीक है, अगर ये ग्रेटर देन 5 होती, सपोज करो 5.45 ये है तो 4.6, तो ये राउंडेड ऑफ हो जाती 5.5 में, ग्रेटर देन 5 है तो 1 इज एडेड। ठीक है, सेकंड रूल हो गया ये। थर्ड रूल क्या हो गया कि अगर जो राउंडेड ऑफ डिजिट है उसके बाद वाली लेस देन 5 है तो हमने बता दिया अनचेंज होगी, ग्रेटर देन 5 है तो 1 ऐड हो जाएगा, लेकिन अगर वो ना तो लेस देन 5 हो ना ग्रेटर देन 5 हो बल्कि इक्वल टू 5 हो, जैसे 9.450। ठीक है, तो उस केस में क्या करते हैं, 9.452 है सपोज करें, तो उस केस में क्या होगा कि अगर ये जो राउंडेड ऑफ डिजिट है उसके बाद वाले डिजिट 5 है तो हम क्या करते हैं उसके नेक्स्ट डिजिट देखते हैं, अगर वो नेक्स्ट डिजिट अदर देन 0 है तो उस केस में क्या होता है आपका 1 ऐड कर देते हैं। ठीक है, इक्वल टू 5 है यहां पर डिजिट। ठीक है, और ये इक्वल टू 5 किसकी बात कर रही हूं मैं, आफ्टर द राउंडेड ऑफ डिजिट है पॉइंट के जस्ट बाद वाली। ठीक है, इक्वल टू 5 है तो आप क्या करते हैं, देन सी नेक्स्ट डिजिट। ठीक है, हम नेक्स्ट डिजिट देखते हैं 2, इफ अदर देन 0, अदर देन 0 0 के अलावा है देन 1 इज एडेड, तो 1 ऐड कर दिया जाता है। लेकिन अगर क्या हो जाए, नंबर है कोई आपका तो उसमें राउंडेड ऑफ के बाद वाले डिजिट 5 है, ठीक है, लेकिन उसके बाद 0 है, क्या कह रही हूं मैं, 0 है, तो आप उससे पहले वाले डिजिट चेक करते हैं, अगर वो इवन नंबर है, इसमें दो केसेस आ जाते हैं, अगर वो इवन नंबर है और अगर वो ऑड नंबर है। ठीक है, अगर इवन नंबर है तो अनचेंज रहती है, कोई चेंज नहीं होता, तो ये 8.2 में राउंड ऑफ हो जाएगी, इसका क्या बन जाएगा, 1 ऐड हो जाएगा तो 9.5 में राउंड हो जाएगी। ठीक है, और अगर उससे पहले वाली डिजिट कैसी है, ऑड है, तो उसमें क्या हो जाएगी, 1 इज एडेड, और 1 ऐड हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, 8.4। समझ में आ गई? तो ये एक क्विक समरी हो गई हमारे सारे राउंडिंग ऑफ जितने भी आपके रूल्स हैं उन सभी की। समझ में आ गई? तो आपको इस तरीके से सारे रूल्स जो हैं वो ध्यान में रखने हैं। ठीक है भाई, चले अब आपका जो है ये काम हो गया है पूरा राउंडिंग ऑफ डिजिट का, तो ये आपका चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो जाता है आपका यहाँ पे,
और ये आपका चल रहा था चैप्टर सेकंड, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे आपका थर्ड चैप्टर। थर्ड चैप्टर है आपका मोशन इन दी प्लेन, जिसमें हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, वेलोसिटी, पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें आएंगी, एक्सेलरेशन, है ना, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और इस तरीके से ग्राफ्स के बारे में भी बात करेंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ों को हम नेक्स्ट थर्ड चैप्टर में बात करेंगे, ठीक है भाई। ओके, थैंक यू।